और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एनसीआर में एक तरफ गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है, तो वहीं दूसरी तरफ बिजली कटौती ने लोगों का मिजाज बिगाड़ कर रख दिया है। कई कई घंटों तक गुरुग्राम और नोएडा में बिजली नदारद है। गुरुग्राम के लोगों का तो कहना है कि करीब 10 घंटे तक बिजली कटौती का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं हमारी सहयोगी एला का, जो इस वक्त हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ गई है। एला, निश्चित तौर पर गर्मी अपने चरम पर है, इसी बीच बिजली कटौती की बात सामने आ रही है, क्या कहना है वहां के लोगों का? जी बिल्कुल श्वेता, मैं पहले बता दूं कि इस समय मैं गाजियाबाद में मौजूद हूं। लोगों के अंदर गुस्सा फूट रहा है, और गुस्सा सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि बिल्डर्स के खिलाफ भी फूट रहा है, क्योंकि इनको पावर बैकअप भी नहीं मिल रहा। और मैं तापमान बता दूं तो 43 डिग्री के आसपास दिल्ली एनसीआर में तापमान हो चुका है, और मैं गौर सिद्धार्थम के सामने खड़ी हूँ। और यहाँ पर लोगों का जो गुस्सा है, उनका ये कहना है 3 दिन से इस सोसाइटी में लाइट नहीं आ रही है। पहले जाते हैं और लोगों से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु है। कितना लाइट आ रही है यहाँ पर? यहाँ पे मुश्किल से दिन में 2 घंटे से 3 घंटे लाइट रहती है पूरे दिन में, 24 घंटे में। और बीइंग आईटी पर्सन, वी आर रियली फेसिंग वेरी टफ सिचुएशंस हियर, राइट? वी आर नॉट एबल टू चार्ज आवर फोन, लैपटॉप्स, और मतलब कुछ भी, यूपीएस भी नहीं चार्ज हो रहा है, जिससे कि हम लोग का पावर बैकअप आए। अगर ऐसे ही रहा तो कुछ दिन में कंपनी वाले हमें निकाल देंगे, फिर उसका कौन जिम्मेदार होगा? जी बिल्कुल, और भी कई सारे लोग हैं, महिलाएं भी कुछ यहाँ पर हैं। सबसे पहले मैम आपके पास आऊंगी, और आप अपना नाम बताइए। धनसोनिया मिश्रा। समस्याएं क्या क्या आ रही हैं, कितना लाइट आती है? मैम बहुत परेशानी है यहाँ पर, ये दो से तीन घंटे तक लाइट आ रही है यहाँ पे। बच्चे इतने प्रॉब्लम में हैं, बहुत ज्यादा इन्वर्टर चार्ज नहीं हो पा रहा, कुछ भी नहीं, बहुत परेशानी है मैम। पूरे दिन कैसे क्या करें, बच्चों की तबीयत खराब हो रही है, हालत खराब हो रही है यहाँ पर। तो मैम बस यही कह सकते हैं। गर्मी कैसे बर्दाश्त हो रही है? बस बर्दाश्त ही नहीं हो रही मैम, क्या कहा है जी। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र शर्मा है। मैं B417 में यहाँ गौर सिद्धार्थम में मकान लिया मैंने। मैंने तो जो है सारा पैसा अपना उसका लगा दिया, और उसके बाद बड़ी परेशानी भुगत रहा हूँ। सब रिटायरमेंट हुआ, पैसा इनको लगा दिया, और उसके बाद एक तरह से ठगी हो गई हमारे साथ। 1.5 साल हो गया, कोई भी सुविधा मौजूद नहीं है यहाँ पर, ना पार्क की है, ना कुछ है, धूल में, मिट्टी में, और ना बिजली। बिजली और पानी तो बहुत, पानी का गंगाजल कह के आज तक गंगाजल नहीं मिला। बिजली का ना बैकअप है, एक वो दे दिया 1 kg का क्या नाम इन्वर्टर, इन्वर्टर के साथ में उसमें कनेक्शन भी टोटल पूरे नहीं करे। कनेक्शन का मतलब इन्वर्टर पे पूरे घर का कनेक्शन है, जिससे कि इन्वर्टर चलता ही नहीं है 2 मिनट, क्योंकि उस पर सारा पावर का कनेक्शन भी इन्वर्टर पे दे रखा है। सारा प्रेशर इन्वर्टर पे, सारा बेस इन्वर्टर पर आ रहा है, तो 1 kV का इन्वर्टर कितनी देर चलेगा? ये जो बहुत समस्या है, और ये गौर ने हमें धोखा दिया, गौर ने जो है चीटिंग कर दी हमारे साथ। सरकार पीछे से बिजली काट रही है, पावर बैकअप यहाँ पर है नहीं, कैसे गर्मी में आप लोग सरवाइव कर पाए? गर्मी में बच्चों की हालत ज़्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। ऊपर से इक्विपमेंट सारे खराब हो रहे, बार बार पावर आ रहा है जा रहा है, फ्रिज की खराब हो रही है, एसी की खराब हो रही है, टीवी बच्चों के लिए ऑन चलता रहता है वो खराब हो रहे हैं, हम खुद भी परेशान है, कभी भी लाइट चली जाती है, कुछ भी नहीं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे प्रॉब्लम है, पढ़ाई में ऑब्वियसली बच्चे का परेशान है लाइट्स के बिना, क्योंकि एक ही घर में सब रह रहे हैं, लैपटॉप चल रहा है, ये चल रहा है, इक्विपमेंट्स चल रहे हैं, तो बच्चों को पढ़ाई ऑब्वियसली ख़राब हो ही रही है, क्योंकि सब बंद करना पड़ता है, क्योंकि बैकअप चला जाता है, फिर कुछ भी नहीं चल पाता, पूरे दिन काम पड़े रहते हैं, एसी नहीं चलती। ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ें हम आपको सुनाना चाहेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव सिंगल है, मैं D130 में रहता हूँ। जो हमें बताया गया था कि बिजली पानी आपकी बिल्कुल नहीं जाएगी, बिजली पानी के लिए तो हम तरस जा रहे हैं, बिल्कुल ही 2 घंटे 3 घंटे 1 घंटे बिजली मिलती है, उसमें भी इतनी लो वोल्टेज मिलती है कि हम आपसे क्या बोलें। रात भर नींद नहीं आती है, सुबह दुकान जाओ तो नींद आती है, वहाँ पर इतनी परेशानी हो रही है। और इनसे बात करो, मैनेजमेंट से, किसी से कोई बात करने को राजी नहीं। गाजियाबाद के लोग हैं, उनकी ये दशा है, लाइट ना होने की वजह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनको दिक्कतें हो रही है, बच्चे हैं जिनकी छुट्टियां हो गई है गर्मियों की, उन्हें तकलीफ हो रही है। सीधे रुक कर लेते हैं हमारी सहयोगी इशिका का, जो हमारे साथ गुरुग्राम से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई। इशिका, गुरुग्राम के लोगों का कहना है कि लगभग 10 घंटे तक उन्हें बिजली का मुंह नहीं देखना पड़ रहा है, बिना बिजली के रहने को मजबूर हैं वो लोग। जी श्वेता, अगर हम बात करें गुड़गांव की भी, तो यहाँ पर भी जो है ये बढ़ती गर्मी के कारण जो है पावर कट भी हो रहे हैं, और उसके साथ साथ जो इससे भी ज्यादा जो प्रॉब्लम है
प्रॉब्लमैटिक चीज है कि इनकी जो वाटर सप्लाई है वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनके पास जाऊंगी और उनसे पूछूंगी। पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब हम देख रहे हैं टेम्परेचर भी लगातार ही बढ़ते जा रहा है, 42 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड है टेम्परेचर, क्या आपको लगता है कि गुड़गांव का जो अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इसके लिए अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है? आप लोगों ने पावर कट्स या वाटर सप्लाई की दिक्कतें महसूस? नहीं, इन दिस मैटर गुड़गांव एडमिनिस्ट्रेशन हैज टोटली फेल्ड, द स्टेट हैज फेल्ड अस, बिकॉज पॉपुलेशन जिस से बढ़ रही है, फ्लैट्स बढ़ते जा रहे हैं, सब भरता जा रहा है, उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल भी अपग्रेड नहीं किया गया। ऑल्दो कमिश्नर और हायर ऑफिशियल्स दे आर कंटिन्यूअसली क्लेमिंग इन न्यूज पेपर्स, वी आर रीडिंग दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इज गेटिंग अपडेटेड, बट नो, इट्स फॉल्स ऑन द ग्राउंड लेवल, इट्स फॉल्स। वी आर फेसिंग, we are staying in Palanviya since 2000-2004 and we had a golden period, no water supply problem, no electricity problem, but we now have frequent water power cuts at night 1 hour, early morning we are getting ready for school and offices, we have no power, and now this water supply problem since last three days. C1 block and C2 block of Palanviya has no water. We are depending on tankers. You can say we are paying for tankers. The infrastructure in a waterworks area is almost 30 years old. तो उसको अगर आप regularly अब नहीं repair कर करके चल रहा है, इनफैक्ट पालम विहार में सब कुछ repair होके चल रहा है, वो पूरा बदलना है, लेकिन हमारे politicians, administrators, I don't know what to say, किसी को वो ही नहीं है कि change करवाए। मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, जैसा कि इन्होंने कहा कि जो गर्मी जो बढ़ती जा रही है, लेकिन आप लोगों को काफी ज्यादा वाटर सप्लाई की भी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है और साथ साथ पावर कट्स भी काफी ज्यादा हो रहे हैं। हाँ बेटा, पानी तो समझ लो 3-4 दिन से हम लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि पीछे कह देते हैं कि कोई वॉल्व खराब हो गया है, उसका पार्ट बदलना है, वो पार्ट बदला ही नहीं जाता, झूठ बोल देते हैं कि वो सप्लाई शाम तक आ जाएगी, सुबह तक आ जाएगी, तो हम लोग तो क्या करें, टैंकर और पावर कट भी होती रहती है, लेकिन ऐसा है कि पानी के बिना तो जिंदगी रुक जाती है, मतलब पानी नहीं है तो। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोग कह रहे हैं लगातार कि 3 दिन से आप लोगों को पानी भी नहीं मिला है और गर्मी में हम देखते हैं कि जो डिमांड है वाटर की वो और ज्यादा बढ़ जाती है, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है, जो इक्विपमेंट्स है, वो अपग्रेड नहीं किए गए हैं? नहीं, अपग्रेड नहीं किया है, एंड मोर ओवर वी आर दे आर यूजिंग द मोस्ट आई मीन एंशिएंट टाइप ऑफ थिंग्स हियर, एंड आफ्टर यू नो दे आर ऑलमोस्ट 30 years old, एंड they have been repairing and it has come to the saturated level that it cannot be repaired anymore, so it is actually affecting the whole population here. हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो लगातार हम देख रहे हैं कि गर्मी और ज्यादा बढ़ रही है, आप लोग लगातार कह रहे हैं कि पानी की भी काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, क्या अथॉरिटीज या मेंटेनेंस वालों ने कुछ कहा है? और फिर क्योंकि दिक्कतें जो है, जो वाटर सप्लाई पावर कट की, वो तो और ज्यादा भी बढ़ेंगी। एक्चुअली क्या है कि जिस एमसीजी के पास आता है, ये हुडा के पास आता है वाटर सप्लाई सिस्टम सारा, जीएमडीए, तो उन्होंने क्या कर रखा है, कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट पे दे रखा है, और कॉन्ट्रैक्टर जो है ही इज नॉट अटेंडिंग टू इट प्रॉपरली, दैट्स व्हाई वी आर सफरिंग ऑल द टाइम, बहुत ज्यादा सफरिंग, वेन एवर इट इज ब्रोकन और डैमेज्ड, इट टेक्स 3-4 days, 5 days टू गेट इट रिपेयर, एंड दे आल्सो डोंट कीप स्पेयर पार्ट्स, so that has to be repaired, that repairing tech, backup system is not there at all. तो श्वेता, आप लगातार ये सुन रही थी, लोगों का ये कहना है कि जो खासकर हम देख रहे हैं, जो टेम्परेचर लगातार बढ़ते जा रहा है, उसके साथ साथ पावर कट्स के साथ साथ वाटर सप्लाई की भी प्रॉब्लम हो रही है, और यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उसे अपग्रेड नहीं किया गया है, जिसके कारण लोगों की जो यहाँ पे दिक्कतें हैं वो और बढ़ती जा रही हैं। जी श्वेता जी बिल्कुल, इशुका हमारे साथ बने रही, हमारी सहयोगी इला भी हमारे साथ जुड़ी हुई है गाजियाबाद से। जो इला, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से देखिए गुरुग्राम में भी लोग कह रहे हैं कि पहले लोगों की संख्या कम थी, यानी पॉपुलेशन कम था तो चीजें चल जाती थी, लेकिन अब जब पॉपुलेशन बढ़ा है तो एडमिनिस्ट्रेशन को हर लिहाज से देखना पड़ेगा, चाहे वो बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, कोई समस्या हो, क्योंकि पैसे तो उनसे ज्यादा लिए ही जा रहे रहने के लिए। जी बिल्कुल, मैं अगर आपको बात करूं गाजियाबाद की तो देखिए गुस्सा साफ नजर आ रहा है यहाँ पर लोगों का, पिछले 3 दिन से लाइट नहीं आ रही है, एडमिनिस्ट्रेशन की हालत जो है यहाँ पर जैसी की तैसी है, तो यहाँ पर महिलाएं हैं, उनसे ही पूछेंगे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, बिजली नहीं है तो पानी भी नहीं आ रहा होगा।
हाँ, ना यहाँ बिजली है ना यहाँ पे पानी है, बच्चों की बहुत बुरी हालत हो चुकी है यहाँ पे, बहुत ज्यादा छोटे छोटे बच्चे, मेरी 3 महीने की छोटी सी बच्ची है, लाइट से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है यहाँ पे वो। मैं आई टावर में रहती हूँ यहाँ पे, कल सुबह से लाइट नहीं आ रही है जा रही है, और कल से सुबह से अभी तो लाइट नहीं है ना, आरों को पानी आ रहा है ना ही लाइट। अब ये बताओ बच्चों बालकनी में बैठे धूप में, बच्चा 2 दिन पहले इसका फीवर आया था बच्चे के, वहाँ बिजली ऑफिस में गए तो उन्होंने कह दिया लाइट आ गई है, और यहाँ पे आए ऑफिस में तो उन्होंने कह दिया कि इंदिरापुरम इनका ऑफिस, हम जाके बात करो, भाई बच्चों को लेकर जाए हम बात करने, तो बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगवाए जा रहे हैं बच्चे को लेकर जाए। हम ये बताओ अब क्या ना पानी, अब आरों पानी भी नहीं आ रहा, कहाँ ये बताओ बच्चा नहीं छोटा ना ये रात भर सो पाया। जी श्वेता देखिए किस तरह से यहाँ पर लोगों की दुविधा है, 43 डिग्री तापमान पहुंच चुका है, बिजली नहीं है तो पानी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे घरों में हैं और धूप में उनको बालकनी में या तो नीचे आकर के वेट करना पड़ता है क्योंकि घंटों लाइट नहीं आती है। लोगों को यहाँ कहना है कि लाइट आती ही नहीं है, 1 या 2 घंटा पूरा पूरा दिन लाइट आ रही है, सोचिए कि क्या हाल हो रहा है लोगों का इस गर्मी में। जी श्वेता जी जी बिल्कुल, इला और ऋषिका आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तापमान यानी पारा तो बढ़ता जा रहा है लेकिन बिजली कटौती भी बढ़ रही है जिससे आम लोगों की जिंदगी और उनका जीना फिलहाल दूभर हो गया है एनसीआर में।